गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक विद द सक्सेस दैट आर रिलेटेड टू द बोहर्स मॉडल। सो फर्स्ट सक्सेस ऑफ बोहर मॉडल इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बोहर्स का जो मॉडल था उसने एटम की स्टेबिलिटी को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिट्स। And second is he successfully explained the atomic spectra of hydrogen atom. At hydrogen का जो स्पेक्ट्रा था वो उस बोहर्स की थ्योरी ने प्रॉपर तरीके से उसे एक्सप्लेन किया। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, यू नो दैट द एनर्जी इज डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शन साइन को हमने एच प्लैंक्स क्वांटम जो प्लैंक्स का कॉन्स्टेंट था उससे रिप्लेस किया था, तो दैट इज एच। एंड यू नो दैट इफ द एटम, you know that the nucleus and the electrons are revolving around in the orbit and the first there are different type of states that are present around the nucleus, different type of shell that are present around the nucleus, that is, and the shell has different type of energy, has specific energy, that is e1 e2 e3. So suppose when an electron present in a first shell and when this electron absorb the energy, then electron will excite and the move towards ground level to higher excited state, from ground state to higher excited state. Suppose an electron present in a even energy level state means the shell is first shell, n is equal to 1, that is k, and then after absorbing the some energy the electron will jump from one from its own level to next level, that is n equal to 2 means even to e2, theek hai, but the e2 state it is completely unstable state, excited states hamesha unstable state hoti hai, to electron again ये क्या करते हैं, पहले तो अब्सॉर्ब करके एनर्जी अब्सॉर्ब करके जंप करते हैं, फिर क्या इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करके E2 से E1 स्टेट में भी वापस जा सकते हैं। तो हमने क्या देखा, एक्चुअली E था, E इज इक्वल टू एच न्यू। अब एनर्जी अगर अपनी चेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन लाइट उसको रेडिएशन को अब्सॉर्ब करके और रिलीज करके, तो वो रिप्रेजेंट होगा ई नॉट ई, इट इज डेल्टा ई, एंड डेल्टा ई इज रिप्रेजेंट द E2 माइनस E1। E1 शेल से इलेक्ट्रॉन E2 शेल में गया और जब वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा तो वो जाएगा, पहले तो गया एनर्जी अब्सॉर्ब करके E1 से E2, फिर एनर्जी रिलीज करेगा तो वो जाएगा E2 से E1। E2 स्टेट की अनस्टेबल थी तो उसको एनर्जी रिलीज करके वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आना है, तो E2 से E1 गया, तो डेल्टा E किससे रिप्रेजेंट होगा, E2 माइनस E1। सो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H एंड न्यू रिप्लेस बाय यू नो दैट C अपॉन लैम्डा, एंड C अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 अपॉन H, ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है, जो इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहे हैं उनकी वेवलेंथ निकालनी है अराउंड द न्यूक्लियस, तो डेल्टा की जो वैल्यू होगी वेवलेंथ दैट रिप्रेजेंट द वेवलेंथ इज इक्वल टू ये H, अगर हम यहाँ लेकर जाते हैं एच सी अपॉन E2 माइनस E1। अगर सपोज इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में नहीं गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड, मतलब सपोज अपने ग्राउंड स्टेट में था और वो सेकंड लेवल में जाने के बजाय इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल में चला गया, दैट एनर्जी इज ई, फर्स्ट लेवल इज कॉल E1, सेकंड इज E2, थर्ड लेवल इज E2। अगर इलेक्ट्रॉन E1 से E3 में चला गया तो हमने ये क्या दिखाना है, हमें E2 माइनस E1 की जगह आप E3 माइनस E1 भी दिखा सकते हैं। तो अब आप उस इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में मूव किया उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले अगर सेकंड शेल के लिए मैंने वेवलेंथ को लैम्डा लिया है, थर्ड शेल के लिए मैंने, अगर थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन गया तो मैंने लैम्डा के लिए लैम्डा डैश, अगर वही इलेक्ट्रॉन हमारा थर्ड शेल की बजाय फर्स्ट शेल से फोर्थ शेल में जम किया तो हम ले सकते हैं लैम्डा डबल डैश, से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एच सी अपॉन E4 माइनस E1। सो इन दिस वे वी कैलकुलेट द वेवलेंथ व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम वन लेवल टू सेकंड, फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट लेवल से फोर्थ लेवल में जा रहा है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द थर्ड सक्सेस थ्योरी ऑफ द बोहर्स मॉडल इज विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द हाइड्रोजन एटम। तो हाउ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द हाइड्रोजन एटम, बेटा सपोज मैंने ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड मैंने चार शेल लिए हैं 1, 2, 3 और 4, ठीक है, फर्स्ट है K L M N, इन्हीं चार शेल को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है N इक्वल टू 1, दैट इज K, N इक्वल टू 2 L, N इक्वल टू 3 KLM, N इक्वल टू 4 N, ये मैंने स्ट्रेट ली है। तो बेटा अब हमने क्या देखना है, जब इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन जब रेडिएशन अब्सॉर्ब करके फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट जाता है, जब वो एक्साइटेड स्टेट हमारी सेकंड
सीरीज हो, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन हो, चाहे वो थर्ड हो, चाहे वो जैसे मान लो सपोज इलेक्ट्रॉन हमारा के शेल में प्रेजेंट है, चाहे वो एल में जाना है, उसने एम में जाना है, एन में जाना है, तो पहले तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अभी मैंने अभी आपको बताया जो एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं वो काफी अनस्टेबल स्टेट्स होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन वापस जंप करेगा अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो ग्राउंड स्टेट में जब जंप करेगा तो हाउ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस आर देयर। तो अभी आप देखेंगे, देखिए अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करके स्टेट में आ सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू फोर स्टेट में है तो वो जंप करके कहा आ सकता है, वन में आ सकता है, टू में आ सकता है, थ्री में आ सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है तो वो फर्स्ट में आ सकता है, देखिए सेकंड में आ सकता है। अगर वो थर्ड में प्रेजेंट है तो वो कहाँ आ सकता है बेटा, वो फर्स्ट में आ सकता है, वो इलेक्ट्रॉन हमारा सेकंड स्टेट में आ सकता है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन हमारा सेकंड स्टेट में प्रेजेंट है तो वो फर्स्ट में आ सकता है। तो कितनी आपको लाइंस यहाँ दिख रही है, यहाँ में सिक्स लाइंस अपियर हो रही है। या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लिए, पॉसिबल लाइंस कैलकुलेट कर लिए, पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। एन टू वो स्टेट है, मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से फोर्थ शेल में गया, तो एन टू यहाँ पर एन टू एन इक्वल टू टू नहीं, एन टू इक्वल टू हायर स्टेट की बात हो रही है। तो एन टू भी मैंने बताया वो फोर्थ स्टेट में गया, अगर इलेक्ट्रॉन अपने अपने ग्राउंड स्टेट मतलब अपने फर्स्ट स्टेट से एन इक्वल टू वन से एन इक्वल टू फोर में गया तो एन टू की वैल्यू यहाँ पर फोर होगी माइनस वन। तो फॉर्मूला है एन टू माइनस एन वन, एन टू माइनस एन वन प्लस वन। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, एन टू रिप्रेजेंट द एक्साइटेड स्टेट, एन वन रिप्रेजेंट द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट इज वन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट स्टेट, एंड द एन टू इज इक्वल टू एक्साइटेड स्टेट दैट इज फोर। सो फोर माइनस वन, फोर माइनस वन प्लस वन, जब हम इसको कैंसिल करेंगे मेरे पास फोर माइनस वन कितना आ रहा है, मेरे पास थ्री आ रहा है, यहाँ मेरे पास फोर बच रहा है, फोर थ्री मल्टीप्लाई फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व अपॉन टू। कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स कैलकुलेट हो रही है, पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन्स ड्यूरिंग दिस कंसेप्ट, तो हमने कितनी देखी, सिक्स स्पेक्ट्रल लाइन्स हमारी यहाँ पर निकल रही है। तो दीज आर द स्पेक्ट्रल लाइन्स, इन दिस वे वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स प्रेजेंट इन ए हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स एंड इजिली। सपोज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता ग्राउंड स्टेट के अंदर और वो एक्साइटेड स्टेट उसकी है हाईएस्ट स्टेट जहां इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहा है, वो एन इक्वल टू फाइव है, एन इक्वल टू फाइव। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स निकाल के दिखानी है मुझे। तो यहाँ पर हाईएस्ट स्टेट क्या है, N2 रिप्रेजेंट कर रही है एक्साइटेड स्टेट को, तो N2 फाइव में गया है और उसकी ग्राउंड स्टेट क्या बताई है मैंने, वन। तो यहाँ फाइव लो या वन लो और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मुझे कैलकुलेट करके दिखाइए, ठीक है। तो नाउ वी विल टेक पोस्टुलेट इज द बोहर थ्योरी हेल्प इन एक्सप्लेन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर स्टेट पर्टिकुलर ऑर्बिट में, जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है, उनको कैलकुलेट करने के लिए हमारी बोहर थ्योरी के कुछ फॉर्मुलाज हैं। तो बोहर थ्योरी ने बताया कि ई जो होता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस टू पाई स्क्वायर एम ई की पावर फोर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो आपको पता है पाई की वैल्यू फिक्स है, एम की वैल्यू फिक्स है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, जहां इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर नंबर, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो एन की वैल्यू वन, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो एन की वैल्यू सेकंड ऑर्बिट में है तो एन की वैल्यू टू, एच की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट दैट इज फिक्स 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। सो सारी वैल्यूज फिक्स है, वैल्यू पुट करने के बाद एन स्क्वायर हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि एन जहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा वो वैल्यू हम रख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो वन आएगी वैल्यू, एन अगर इलेक्ट्रॉन हमारा सेकंड ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एन की वैल्यू टू रखी जाएगी। तो हमारी ये जो वैल्यू है माइनस 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 अपॉन एन स्क्वायर, ये हमारी आई है जूल पर एटम में। यही आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करनी हो तो ये वैल्यू है माइनस 13.595 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, बट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। सो आप इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आप रखकर। इसके अलावा अगर आपको किलो जूल में कैलकुलेट करिए तो किलो जूल में इसकी वैल्यू है माइनस 1311.8 अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। अगर आप इसका राउंड ऑफ कर देंगे तो आपके पास माइनस 1312 अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। एंड द फोर्थ पोस्टुलेट इज हम बात करेंगे रेडियस, जहां भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अराउंड, चाहे वो फर्स्ट शेल में है चाहे वो सेकंड शेल में है, जहां भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका न्यूक्लियस से जितना भी रेडियस ऑर्बिट का जिस ऑर्बिट में भी प्रेजेंट है वहां से लेकर न्यूक्लियस तक का जितना भी रेडियस है वो कैलकुलेट करना हमें बोहर की थ्योरी से पता लगा, तो बोहर के कंसेप्ट से पता लगा। तो रेडियस इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर एम ई की पावर टू इंटू जेड।
आपको पता है एन यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, एच यहाँ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, पाई की वैल्यू फिक्स है, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड जेड की वैल्यू यहाँ पर आपको पता है, दैट रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर। अगर यहाँ पर मैं हाइड्रोजन की बात करूंगी तो यह वैल्यू हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की बात करूं जैसे हीलियम पॉजिटिव की तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। लिथियम 2 पॉजिटिव की बात करूं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो यहाँ पर मेरी आर सारी जो जितनी भी ये वैल्यूज है, एन स्क्वायर को छोड़ दीजिए, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई 4 ई की पावर 2, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए नोट से और ऊपर रहेगा हमारा एन एन स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन की बात है तो जेड की अपॉन में आप जेड की लिख सकते हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करूंगी तो मैं यहाँ पर जेड की वैल्यू 1 ही आएगी, चाहे आप लिखें चाहे ना लिखें। चलो ए की वैल्यू सारी वैल्यू कैलकुलेट करें, इसको ए से रिप्रेजेंट किया गया और ए नोट क्या होता है, ए नोट से रिप्रेजेंट किया गया और ए नोट क्या होता है बेटा, ए नोट होता है 52.9 पिकोमीटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए नोट की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। दोबारा बात कर रही हूँ, जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है। कोई भी एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन की बात होगी तो 1, हीलियम की बात होगी तो 2 और एम या ऑर्बिट को रिप्रेजेंट हो रहा है। जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसका भी रेडियस निकाला जा रहा है, सेकंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो एन की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आप इसको पिकोमीटर में वैल्यू को निकाल सकते हैं और अगर आपको नैनोमीटर में निकालनी है वैल्यू तो 0.0529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड नैनोमीटर में अभी आप वैल्यू रेडियस निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बहुत थ्योरी आल्सो एक्सप्लेन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए भी बोहर थ्योरी ने हेल्प करी। यू नो दैट मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था ड्यूरिंग द पोस्टुलेट्स ऑफ द बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द होल नंबर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, दैट इज एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। सो वी अगर मैं यहीं पे प्लेस करूं तो क्या जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई आर, आर रिप्रेजेंट द रेडियस, अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, एन यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर फर्स्ट ऑर्बिट एन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, अगर सेकंड ऑर्बिट में तो एन इक्वल टू 2, यू नो दैट। तो वेलोसिटी भी यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा अगर वो सेकंड ऑर्बिट में है तो एन की वैल्यू 2 आ जाएगी, फर्स्ट में होगा तो एन की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आप जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसकी वैल्यू यहाँ रखकर आप उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो व्हाट इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन इट्स पर्टिकुलर ऑर्बिट, दैट इज इक्वल टू वी, दिस इज द वेलोसिटी अपॉन सर्कमफेरेंस, यू नो दैट सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। तो आप ये वैल्यू पुट करके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, इस कंसेप्ट को आप डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, तो फर्स्टली मैं आपको बता देती हूँ। आपको बहुत अच्छे से पता है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है किसी भी एलिमेंट की। सपोज आपने अगर बात करी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और जब आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करते हैं तो आप लिखते हैं 281 एंड द 1 इज द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, वन जो लास्ट में 1 है, आपको पता है सोडियम का जो लास्ट में 1 होगा 281 जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है या मोशल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट स्टेट, द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू गिव टू एन एलिमेंट टू रिमूव इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, एंड एटम मस्ट बी प्रेजेंट इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, दैट कंडीशन इज कॉल्ड, दैट एनर्जी दैट इज गिवन टू एन एलिमेंट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल, सो यू नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैंने जब आपको बताया डेल्टा E बताया मैं, तो डेल्टा E क्या है, अपनी E1 स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करता है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट को E1 बोलते हैं तो सेकंड ऑर्बिट की स्टेट को E2। हर ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी लेवल्स हैं, मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन करी। तो अगर मैं बात करूं जो इलेक्ट्रॉन है वो काफी दूर चला गया न्यूक्लियस से, इनफिनाइट स्टेट में चला गया, तो E2 जनरली क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, E2 माइनस में E1। तो वो जो बहुत दूर अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसको कंसीडर करेंगे एनर्जी इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस में ई एन यहाँ पर हमें नहीं पता, 1 है फर्स्ट ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, सेकंड में है, कहां तक फर्स्ट ऑर्बिट में था तो कितनी दूर तक निकल गया न्यूक्लियस से, तो इन्फिनिटी माइनस में ई एन, इन्फिनिटी की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, 0 माइनस माइनस ई एन। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में था तो एन की जगह वैल्यू क्या करेंगे, 1, और ई वन की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाया और उसमें मैंने आपको किलो जूल पर मोल में एनर्जी बताई, कितनी बताई, -1312 अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। तो आपने ये वैल्यू आप रख लेंगे
लेंगे तो आपको पता है E इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो ही है, तो माइनस माइनस प्लस होकर तो एनर्जी आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी, तो वो थी एनर्जी, ये आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या निकली? पॉजिटिव 1312 किलो जूल पर मोल। ये पॉजिटिव क्यों होती है? बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड एनर्जी दैट इज यूज टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो ये एनर्जी क्या होती है? हमारी पॉजिटिव एनर्जी होती है। वो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, ये एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, फाइन। तो इन दिस वे वी कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी दैट इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन टू रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ड्रॉबैक्स दैट आर रिलेटेड टू द बोहर्स मॉडल। सो जितनी सक्सेस मिली बोहर्स मॉडल को, उतने कुछ अब हम उनके ड्रॉबैक्स भी पढ़ेंगे। जैसे जैसे नई डिस्कवरीज हुई, नई थ्योरीज आई, तो बोहर्स के भी कुछ क्या रहे, ड्रॉबैक्स रहे, कुछ लिमिटेशंस रही। तो फर्स्ट लिमिटेशन, फर्स्ट ड्रॉबैक रहा बोहर्स मॉडल का, बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बट नॉट एबल टू एक्सप्लेन द फाइनर डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बहुत डीपली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़ा पाया, नहीं डिटेल में एक्सप्लेन कर पाया। सेकेंड इज बोहर्स मॉडल नॉट एक्सप्लेन द मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम। मल्टी इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका स्पेक्ट्रम तो बताना काफी तक ईजी था, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट इज बोहर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द जीमन इफेक्ट। व्हाट इज जीमन इफेक्ट? तो आपको पता है, जैसे हमने बात करी है लाइन स्पेक्ट्रम की, कुछ स्पेक्ट्रम बनते हैं जो उन स्पेक्ट्रम के ऊपर क्या कोई मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट पड़ता है लाइन स्पेक्ट्रम के ऊपर, वो चीज बोहर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट इज स्टार्क इफेक्ट। व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट? सेम वही, अगर हमने कोई हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया है तो वो जो लाइंस आई है हमारे पास, लाइन स्पेक्ट्रम ड्रॉ हुआ है, क्या उन लाइन स्पेक्ट्रा के ऊपर क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है, ये चीज बोहर्स मॉडल की हेल्प से या मोहर्स की हेल्प से हमें नहीं पता लग पाई। नेक्स्ट इज डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्डेड एटम। अब कुछ एटम्स मिलकर एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, कुछ पर्टिकुलर शेप्स बनाते हैं ड्यू टू देयर डिफरेंट डायरेक्शन दे आर बॉन्ड विद ईच अदर। ऐसे तो कोई एटम आपस में मिलते नहीं है या ज्वाइन नहीं होते और मॉलिक्यूल नहीं बनाते। द एटम्स आर bonded with each other with the help of some directional nature due to their shape। जो भी एटम होते हैं वो आपस में जब भी बॉन्ड बनाते हैं तो ड्यू टू सम शेप और ड्यू टू सम डायरेक्शन, ये जो हमारी जो बहुत थ्योरी थी ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि वाई द एटम्स आर मेक ए बॉन्ड विद ईच अदर एंड वाई दे फॉर्म ए डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द डिफरेंट शेप्स। सो बहुत थ्योरी हमें ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये जो फोर्थ आपको ड्रॉबैक नजर आ रहा है, ये हम पढ़ेंगे अपने फोर्थ चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा जो फोर्थ चैप्टर है वो इसी ड्रॉबैक के ऊपर बेस्ड है। सो नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डी ब्रोगली इक्वेशन एंड द हाइजनबर्ग कंसेप्ट ऑफ द models of an atom। Discuss modern concept of structure of atom। So there are number of a shortcomings of the Bohr's model। So to overcome the shortcomings of the Bohr's model की जितनी भी shortcomings रही थी, जितने भी drawbacks रहे थे, उसको overcome करने के लिए हमारे पास modern concept आया। किसका? Models of an atom का। आपने पहले जो पढ़ा, जे जे थॉम्सन का model पढ़ा बेटा, Rutherford का model पढ़ा, Bohr's का model पढ़ा, but Bohr's की theory में भी कुछ limitations रही, कुछ drawbacks रहे, तो उसकी shortcomings को overcome करने के लिए हमारे पास जो concept आया that is modern concept of atom that belong from the models of an atom। So now we will study about the two important facts about this modern concept of atom। First is dual behavior of matter, dual nature of matter, and second is Heisenberg uncertainty principle। ठीक है, तो firstly we will discuss about the dual nature of matter। अब matter का dual character, तो कोई भी metal है उसका हमने बात करनी है उसकी dual character की, dual nature की। तो dual nature जो metal का है वो दो तरह का होता है, particle nature भी होता है matter का और wave nature भी होता है। ठीक है, तो इस बात को एक्सप्लेन किया द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, हिज नेम इज डी ब्रोगली, उनका नाम था डी ब्रोगली। ये कंसेप्ट डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया और इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे दो साइंटिस्ट की थ्योरी यूज की गई। द फर्स्ट हम बात करेंगे थ्योरी किसकी, किसकी थ्योरी यूज करेगी, अगर हम मैं बात करूं, मैंने आपको पढ़ाना है डी ब्रोगली इक्वेशन। तो डी ब्रोगली ने किसका कंसेप्ट समझाया हमें, he explained the matter has dual character, dual nature, that is particle character and wave character also। इस concept को explain करने के लिए कौन आए, first किसकी theory हमारी use की गई,
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, दिस इज ई इक्वल टू एच न्यू, और सेकंड थ्योरी इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज की गई, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दैट इज दिस इक्वेशन इज आइंस्टाइन इक्वेशन, यू नो दैट। तो वी टेक इट इक्वेशन वन एंड सेकंड इक्वेशन को मान लेते हैं हम ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आफ्टर कंपाइलिंग दिस बोथ इक्वेशंस वी गेट यू नो दैट बोथ आर इक्वल टू ई, सो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, and also you know that h is equal to c upon lambda, nu represented by c upon lambda is equal to mc square, ठीक है। अगर हम इसके शिफ्ट करते हैं हमारे पास क्या आता है बेटा, हमारे पास आता है h upon mc square equal to lambda, c से c हमारा अगर कैंसिल होता है तो lambda is equal to h upon mc, ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आती है। तो अगेन आई विल रिपीट, बोहर्स के मॉडल्स की ड्रॉबैक्स की जो जितनी भी शॉर्टकमिंग्स थी उसको ओवरकम करने के लिए हमारा मॉडर्न कंसेप्ट आया एटम का, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड सेकंड वन इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, तो मैटर हैज टू कैरेक्टर, पार्टिकल एज वेल एज वेव, दिस एक्सप्लेन बाय द साइंटिस्ट डी ब्रोगली, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इक्वेशन दैट इज रिलेटेड टू द डी ब्रोगली इक्वेशन। टू एक्सप्लेन द डी ब्रोगली इक्वेशन वी कंपाइल the two equations, first equation that is given by the Planck's constant and second equation that is given Planck's quantum theory ke according jo humne Planck scientist se li thi, E equal to h nu, and the second explained by the Einstein, E is equal to mc square, both are equal to the energy, so both are equal to each other, h nu is equal to mc square, and the nu that is represented by, you know that from this equation c equal to nu into lambda and nu is equal to c upon lambda, so value of the nu replaced by the c upon lambda is equal to mc square. When we shift this equation, then lambda is equal to hc upon mc square, after the cut with c, to kya hoga hamare paas, lambda is equal to h upon mc, aur c yahan par speed of light ko represent kar raha hai, ye value fix hoti hai, electron ke case mein light hamari velocity of light ki value fix hoti hai 3 into 10 to power 8 meter per second, you know that, aur agar main light ki baat karungi to light relate with the radiation and radiation relate with the wave character. To agar main baat karu, agar aapko lambda calculate karna और किसी वेव पार्टिकल की बात हो रही है तो आप फॉर्मूला रखेंगे एच अपॉन एम सी, लेकिन अगर मैं बात कर रही हूं किसी लाइट को छोड़कर, रेडिएशंस को छोड़कर, अगर हम बात कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की, लाइक एक बॉल की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आप फॉर्मूला लेके चलेंगे, उस केस में फॉर्मूला लेके चलेंगे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा पार्टिकल नेचर, वेल कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज करेंगे, और अगर कोई लाइट है, रेडिएशन है, दैट लाइट एंड रेडिएशन यू नो दैट प्रेजेंट इन ए वेव फॉर्म, सो यू पुट द सिंबल सी हियर, एंड ऑल्सो यू नो दैट द मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, यू नो दैट मोमेंटम इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, सो आप यहाँ पर वैल्यू ऑल्सो रिप्लेस कर सकते हैं, एच अपॉन टी भी आप यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इक्वेशन एच इक्वल टू एम सी, एच अपॉन एम सी, और एच दिस इज फॉर वेव करेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, एंड दिस फॉर ए पार्टिकल नेचर ऑफ ए ऑब्जेक्ट, सो और यहाँ पर आप एम वी की जगह पी मोमेंटम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप वेवलेंथ को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आप देख लीजिए दिस इक्वेशन, कम्प्लीट इक्वेशन एक्सप्लेन बाय द डी ब्रोगली विद द हेल्प ऑफ ए टू कंसेप्ट, प्लैंक क्वांटम थ्योरी एंड सेकेंड वन आइंस्टाइन इक्वेशन की हेल्प से हमने डी ब्रोगली की इक्वेशन को सॉर्ट आउट किया, ठीक है। तो दिस इज द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर दैट इज एक्सप्लेन बाय द डी ब्रोगली, एंड वी ऑल्सो सोल्व सम न्यूमेरिकल ऑन दिस टॉपिक, सो वी विल टेक वन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी 2.05 × 10⁻¹⁷ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी दैट इज गिवन टू यू, एंड द कैलकुलेट द वेवलेंथ, सो वेवलेंथ इज इक्वल टू यू नो दैट, अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यू नो दैट, तो हमारे पास बात करेंगे एच इक्वल टू एम वी की, इट इज ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यू नो दैट यहाँ हम लाइट और रेडिएशन की बात नहीं कर रहे हैं कि हम सी ले लें यहाँ पर, तो हम लेंगे एक पार्टिकल की तरह ही काम करता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, तो एम लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, यू नो दैट लैम्डा वैल्यू, द लैम्डा वैल्यू 6.6, या तो आप 2.6 लीजिए या 6.63 ले लीजिए, ठीक है, तो भी 6.6 भी ले लेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, × 10⁻¹⁴ अपॉन, हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 × 10⁻³⁻¹, ये आपको शुरू से याद करवाया जा रहा है, और वेलोसिटी है 2.05 × 10⁻¹⁷, तो आप इस तरीके से सब वैल्यू पुट करके वेवलेंथ निकाल सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन की। तो इन दिस वे वी कैलकुलेट द न्यूमेरिकल
ठीक है, तो दोबारा अच्छे से याद रखिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट, एम अगर इलेक्ट्रॉन की बात होगी न्यूमेरिकल में तो यहाँ पर आपको मास गिवन नहीं होगा, आपको इलेक्ट्रॉन का ही मास रखना है, और आपको याद रखना है 9.1 × 10⁻³⁻¹ kg into v, v is the velocity that is given to you, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं यहीं पे इसके सिग्निफिकेंस की बेटा, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डी ब्रोगली कंसेप्ट। तो आपको पता होना चाहिए अगर हमारे पास, अगर हम बात करें मास की, अगर ये जो कंसेप्ट था सिर्फ ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए था बेटा, क्यों? अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मास कैसा होगा, मास कम होगा, मास कम होगा तो हमारी ये इन्वर्स है तो वेवलेंथ क्या होगी, हाईएस्ट होगी, तो वेवलेंथ हम क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर मैं यही बात मास किसके ले लूं, एक बड़े ऑब्जेक्ट की ले लूं और मास इतना ज्यादा हो, मास बहुत ज्यादा होगा तो हम वेवलेंथ को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो वेवलेंथ हमारी बहुत ही कम हो जाएगी, जिस जो कि मेजर भी नहीं की जाएगी। तो आप याद रखना दिस इक्वेशन इज ओनली, हियर द वेवलेंथ एंड द मास आर प्रेजेंट इन इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो आप याद रखना अगर मास किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात होगी तो लैम्डा कैलकुलेट किया जाएगा, बिकॉज मास हमारा कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो वो इजिली मेजर्ड होगी। और अगर हमारे पास अगर मास की मास जो है हमारा बहुत ज्यादा, कोई हमने हैवी ऑब्जेक्ट ले लिया और उसका मास उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करना जा रहे हैं तो हम उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मास अगर ज्यादा होगा तो वेवलेंथ की वैल्यू बहुत माइनर आएगी, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, जो कॉस्मिक रे से भी कम वैल्यू हो रही है हमारी वेवलेंथ की उस केस में, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस दैट इज रिलेटेड टू द डी ब्रोगली कंसेप्ट एंड दैट इज रिलेटेड टू द डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। उसके बाद बहुत से साइंटिस्ट आए इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत से कंसेप्ट है हमारे, कुछ हमारे डेविसन एंड जर्मर के कंसेप्ट हैं, कुछ हमारे फर्दर जे.जे. थॉम्सन ने भी कुछ इस पे वर्क किया रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट। तो देयर आर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट फैक्ट्स आर डन ऑन दिस टॉपिक एंड इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन द नेक्स्ट क्लास। सो आज के लिए इतना ही, डू योर वर्क इन ए प्रॉपर वे।